तो कल हमने गुड इवनिंग। तो कल हमने ब्लॉक 1 देखा था, जिसमें कि हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने उसको स्टडी किया था। आज हम ब्लॉक 2 देखेंगे, उसमें ऑर्गेनिक डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को हम एट नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, और इसको हम डिटेल में देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम नेशनल नॉर्म की बात करेंगे, जो हमारे देश में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसमें इंडिया में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, ये लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अंतर्गत जो है, जो 4 पॉइंट हैं ऑर्गेनिक क्वालिटी कंट्रोल के। फर्स्ट है स्टैंडर्ड, एक्रेडेशन, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। तो इन चारों स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ही अनिवार्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। एकदम प्योर अगर ऑर्गेनिक हमें फूड कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें हर चारों पॉइंट को एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम उसको मेंटेन करना है। तो क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स से? तो ऑर्गेनिक फार्मर्स शुड प्रोड्यूस फूड दैट इज सेफ एंड हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन सफिशियंट क्वांटिटी। तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मर है, वो ऑर्गेनिक जो भी फूड वो कह के बेच रहे हैं या बेचेंगे, तो उसको वो सेफ रहना बहुत जरूरी है। मतलब उसमें किसी भी तरह का कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्टामिनेशन होगा तो वैसे भी उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट फार्मर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेफ रखना चाहिए, और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है, एक जो सफिशेंट होती है उसको मेंटेन करनी चाहिए। ऑल फार्मिंग ऑपरेशंस इन हिज फार्म शुड इंटरेक्ट इन कंस्ट्रक्टिव एंड लाइव फाइनेंसिंग वे विथ ऑल नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल्स। तो कल हमने बात किया था कि ऑर्गेनिक फार्म में सिर्फ हम एग्रीकल्चर ही नहीं करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंटरप्राइजेस होते हैं। या तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर हम लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं, या हम इसमें डिफरेंट बी कीपिंग कर सकते हैं, या फिर हम पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट इंटरप्राइजेज होते हैं, और उनके साथ एक साइकिल इस्टेब्लिश होती है, और उस साइकिल नेचुरल साइकिल का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक फार्म में। नहीं तो फिर किसी एक इंटरप्राइज का वेस्ट जो है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, और उसका जो है वो एक तरह से लॉस ही है। तो इसको एक बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिक फार्म में, कि एक इंटरप्राइज का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे। फार्मर शुड इंकरेज एंड इनहेंस बायोलॉजिकल साइकिल्स विद इन द फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, फ्लोरा, फौना, प्लांट एंड एनिमल। तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कल के लेक्चर में भी, कि बायोलॉजिकल साइकिल्स को के साथ साथ जो है सॉइल को लिविंग रखने के लिए वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक नियत पॉपुलेशन जो है बहुत जरूरी है। उसके बिना सॉइल जो है वो लिविंग सिस्टम नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऑल फार्मिंग ऑपरेशंस शुड बी कैरीड आउट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम अपनी सॉइल फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म तक के लिए सस्टेन कर सकें। तो हमारे जो भी प्रैक्टिस होने चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को डिटोरिएट नहीं करें, इस तरीके का होता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट जो भी अभी आगे भी आएगा कि क्या हमें कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, तो अभी डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन एवर ए न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड और अडॉप्टेड, इट शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ लोकली ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो ऑर्गेनिक फार्मर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई अगर कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें एग्रीकल्चर सिस्टम में। इसके अलावा है द फार्मिंग एक्टिविटीज शुड बी एज फार एज पॉसिबल विद इन ए क्लोज सिस्टम विथ रिगार्ड टू द सॉइल न्यूट्रिएंट इशू। तो ये बात मैं कल भी बताया था कि ये ऑर्गेनिक फार्म में ये चीज बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए किसी बाहर फार्म से, उस फार्म के बाहर से कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लेके आए जिसको कि आप या तो कंपोस्ट बनाएं, या फिर
उसको एज सच अप्लाई करें, आप नहीं करेंगे। आपको अपने ही फार्म में खुद का जो मैन्योर्स है प्रिपेयर करने होंगे और उसको अपने फील्ड में अप्लाई करने होंगे। तो ये क्लोज सिस्टम में जो है रखना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिक फार्म को, नहीं तो फिर वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फार्मर शुड मिनिमाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो किसी भी तरह का जो भी पॉल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करने का भरसक कोशिश बहुत ही कोशिश करना चाहिए फार्मर के द्वारा। ये कैसे कर सकते हैं, तो जहां पर भी हमें एनर्जी की जरूरत हो तो वहां हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रैक्टिस करें, और यहाँ हम किसी भी तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई भी हार्मफुल गैसेज एटमोसफेयर या सॉइल या वाटर में नहीं रिलीज होगा। तो ये एक पॉजिटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, लेकिन इसके साथ अगर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस विद इन ए फार्म शुड क्रिएट ए हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो मैंने अभी बताया कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन को जो है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रखना होगा, जिससे कि एक से निकला हुआ जो भी प्रोडक्ट हो दूसरे के काम आ जाए। तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से निकला हुआ डंग हो या यूरिन हो या फिर जो डिफरेंट लीटर है वो सभी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैन्यूर बनाने के काम आएगा। सिमिलरली क्रॉप प्रोडक्शन में अगर हम जाएं तो वहां का क्रॉप रेसिड्यू को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज फॉडर मटेरियल फॉर एनिमल्स इन एनिमल हस्बेंड्री। तो ये दोनों में एक सामंजस्य बना के रखना बहुत जरूरी है। फार्मर्स शुड लेट देयर लाइफ स्टॉक टू लिव इन देयर बेसिक कंडीशन ऑफ द लाइफ एंड देयर इननेट बिहेवियर। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक को जो है नेचुरल कंडीशन में जो है रखा जाता है, ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक फार्म होते हैं वहाँ पे जो भी नेचुरल कंडीशन होता है वो उस वहाँ पे लाइफ स्टॉक्स को दिया जाता है। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा जो रेडीमेड फूड मटेरियल है वो सप्लाई नहीं किया जाता है, उसी फार्म में ग्रो करके वहीं पे खिलाया जाता है, तो वहाँ पे कंटामिनेशन जो है होता नहीं है इसके कारण से। तो ये बहुत जरूरी है कि बेसिक कंडीशन जो है लाइफ का और एक एनिमल के लिए वो मेंटेन किया जाए इन ऑर्गेनिक फार्म। फार्मर शुड प्रोसेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज। वो सेम चीज रिपीट हो रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। द फार्म शुड यूज ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो जो भी डिग्रेड होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसी को इस्तेमाल करना है, उसी का मैन्योर बनाना है। वह ऐसे प्रोडक्ट हम ना यूज करने लगे जो डिकम्पोज ही ना हो, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर उससे हमारा मैन्योर बन नहीं बनेगा, तो फिर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। द फार्मिंग ऑपरेशन शुड प्रोग्रेस टुवार्ड्स एन इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन विच इज बोथ सोशली जस्ट एंड इकोनॉमिकली पॉसिबल। तो रिस्पॉन्सिबल तो फार्मिंग ऑपरेशंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन चेन तक सोशली जो है वो और इकोलॉजिकली वो जस्टिफाइड हो। ये ना कि हम किसी भी स्टेप पे थोड़ा सा भी कोताही बरतने लगे तो वहां पे उस कंडीशन में वहां पे फिर कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हर स्टेप पे चाहे वो प्रोडक्शन हो प्रोसेसिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसको जो है एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में उसको उसको जो भी उसका प्रैक्टिसेज है उसको फॉलो करेंगे। द फार्मर शुड प्रोमोट क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इंडिजिनियस एनिमल स्पीसीज विद इन द फार्म। तो ये बात सबको अभी तक पता है कि हमें लोकल इंडिजिनियस क्रॉप वेराइटी और जो इंडिजिनियस एनिमल स्पीसीज हैं उसको प्रोमोट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसके बहुत बहुत सारे रीजन हैं, कल मैंने बताया था। एक रीजन ये है कि अगर हम इंडिजिनियस वेराइटी का कोई सीड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक कम होता है क्योंकि उसमें वो रेसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर वही हम हाई यील्डिंग वेराइटीज का कोई भी अगर सीड लेके आते हैं तो उससे वहां पे हमको इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस की क्षमता कम होती है। सिमिलरली एनिमल स्पीसीज भी जो इंडिजीनियस होता है उसको यूज करने से जो स्मूथ रनिंग होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग का वो चलता रहता है। द फार्मर शुड नॉट यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वेराइटीज एंड एनिमल ब्रीड्स फॉर फूड प्रोडक्शन इन द फार्म। तो कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमें इस्तेमाल नहीं करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्म के, तो
ऑल ऑर्गेनिक फार्मर्स शुड बी एक्वेंटेड विद द ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स विच कवर द स्पेसिफिक डिटेल ऑन व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। तो हर फार्मर को ये जानना चाहिए कि क्या हर स्टेप पे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सेल हो, हर पॉइंट पे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड द प्रोडक्शन मेथड्स मस्ट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक विच मे इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज टू द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि फार्मर के द्वारा वो हर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाने चाहिए जो कि एनपीओपी के गाइडलाइन के हिसाब से हो। अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो जो सर्टिफाइंग एजेंसी है वो इस चीज को डिटेक्ट करेगा और फिर वो फार्मर को लाइसेंस जो है, अगर मिला होगा तो उसका वो लाइसेंस, सर्टिफिकेशन का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फार्मर को चाहिए कि जो भी एनपीओपी के गाइडलाइंस हैं उसको कॉम्प्लाई करे और उससे बाहर जाने की कोशिश ना करे। फार्म डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही चीज, ये फार्म में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है यही दिखाता है कि आपने अपने ऑर्गेनिक फार्म को, ऑर्गेनिक फार्म के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो जो भी चीजें होती है ऑर्गेनिक फार्म में उसको पेपर वर्क करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो सर्टिफाइंग एजेंसी आती है वो यही डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। तो ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनिक फार्म के। कुछ और भी रिक्वायरमेंट है जैसे प्लानिंग, ए फार्मर शुड हैव अ रिटन एनुअल प्रोडक्शन प्लान डिटेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम सीड टू ग्रेन। तो फार्मर को ये चीज प्लान कर लेना चाहिए कि वो क्या, कौन सा क्रॉप लेने वाला है और उसका सीड कहाँ से लेके आएगा और उस यहाँ मतलब फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग का जो भी प्लानिंग है वो फार्मर को पहले से जो है रिटन फॉर्म में एक प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इंस्पेक्शन बाई ए सर्टिफाइंग एजेंसी, तो ये सर्टिफाइंग एजेंसी जो है ये सर्टिफाइड जो भी फार्मर अप्लाई करता है उसके फार्म पे एनुअल या सेमी एनुअल विजिट करता है, फिजिकली विजिट होता है, वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे कोई अगर इंटरव्यू, अगर कोई क्वेश्चनायर होते हैं तो वो उस तरह के क्वेश्चनायर भी करता है, वहाँ के जो भी इंचार्ज होता है उनसे या फिर जो वहाँ के जो वर्किंग लेबर्स होते हैं उनसे, और प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद वो फाइनल अपना रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है फी। तो ये इंस्पेक्शन जो होता है सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा, इसके लिए कुछ फी की फी, एक नॉमिनल फी एक जमा करना पड़ता है और उसके बाद ही इंस्पेक्शन होता है। और ये फी डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी है, एजेंसी ये वैरी करता है फी, और कितने साइज के एरिया पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, इन सभी चीजों पे ये फी डिपेंड करता है। रिकॉर्ड कीपिंग ये नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। तो डे बाय डे का जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, फ्रॉम फार्मिंग टू मार्केटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्शन एनीथिंग, वो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही जरूरी है। ये चीज जो है उस सर्टिफाइंग एजेंसी को ये प्रूफ करेगा कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ ऑर्गेनिक फार्म को मेंटेन किया है जो भी एनपीओपी के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वर्सन। कन्वर्सन है कि शुरू शुरू में जब कोई फार्मर कन्वेंशनल फार्मिंग से स्विच करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, तो कुछ सालों तक जो है वो उसका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है सर्टिफिकेशन मिलने में उसको करीब 2 से 3 साल तक का वक्त लगता है। तो इस पीरियड को कहा जाता है कन्वर्सन। तो कन्वर्सन है द प्रोसेस बाय व्हिच ए फार्मर स्विचेज ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। तो ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक, इसी को बोलते हैं कन्वर्सन। कन्वर्सन पीरियड यही है द टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड गेटिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो जब उसने शुरू किया ऑर्गेनिक मैनेजमेंट और जब उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया, इस पीरियड के बीच का जो भी टाइम स्पेन होगा उसको बोला जाता है कन्वर्सन पीरियड। तो ये कन्वर्सन पीरियड जो है एनुअल क्रॉप के लिए आइडियली इंडिया में 2 साल है और पेरिनियल क्रॉप अगर कोई है तो उसके लिए वो 3 साल है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग
ये होता इज नथिंग बट इंक्लूजन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी और एनी अदर एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेस दैट इज प्रैक्टिस्ड अलॉन्ग विद द क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो भी डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, इन सभी को एग्रीकल्चर के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। इसी फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नॉट परमिटेड टू ऑर्गेनिक फार्म्स। तो एक कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, इसको नहीं अलाउ किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन एट सेम फार्म इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन एक अनदर कंसेप्ट है जिसमें कि हम डिफरेंट सीजन में सेम पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग क्रॉप लेते हैं। इसके लिए मोस्ट जो कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें दो सीरियल क्रॉप के बीच में जनरली हम लोग एक लेग्यूमिनस क्रॉप लेते हैं, जिससे कि वो लेग्यूमिनस क्रॉप जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है और वो सॉयल में नाइट्रोजन फिक्स करके फिर सॉयल में सॉयल की फर्टिलिटी को एनहांस कर देता है। तो जो फर्दर अपकमिंग सीरियल क्रॉप है वो उसका बेनिफिट ले पाता है। तो इससे ये होता है कि हमारा सॉयल जो है एग्जॉस्ट नहीं होता है न्यूट्रिएंट के रिलेशन में। तो ये क्रॉप रोटेशन हम लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्गेनिक फार्म टू इनरिच आवर सॉयल इन न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है, स्पीसीज एंड वेराइटीज कल्टिवेटेड इन ऑर्गेनिक फार्म शुड बी अडेप्टेड टू द सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिक फार्म में अगर हम कोई भी वेराइटी कल्टिवेट कर रहे हैं तो वो लोकल वेराइटी हो, जिससे कि वो उस क्लाइमेट को अडेप्ट करे और रेसिस्ट करे वहाँ के जो भी पेस्ट और डिजीज का अटैक है उसको। द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट्स आर नॉट परमिटेड। तो किसी भी तरह का सिंथेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे बैन है, इसको यूज नहीं करना है। द मिनरल बेस्ड मिनरल लाइक रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइम कैन बी अप्लाइड इन लिमिटेड क्वांटिटीज व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो जहां जरूरत हो बस वहीं पे ये मिनरल बेस्ड मटेरियल से जो भी रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज हैं उसको यूज करना चाहिए। हालांकि इसको भी आगे हम देखेंगे, इसको भी बैन किया गया है कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में। मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर इस्तेमाल करने की एकदम आवश्यकता है तभी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे इसको जरूरत करने इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स परमिटेड एज मैन्योर इन ऑर्गेनिक फील्ड। तो क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्म में एज मैन्योर की तरह? तो हम फार्म यार्ड मैन्योर कर सकते हैं, स्लरी, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यू, स्ट्रॉ एंड अदर मल्चेज फ्रॉम ओन फार्म। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अपने फार्म का ही बनाया हुआ फार्म यार्ड मैन्योर हो या ग्रीन मैन्योर हो या क्रॉप रेसिड्यू हो, ये सभी अपने फार्म, जिस फार्म में आप कल्टीवेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसी फार्म में आप प्रिपेयर करें, बाहर से कुछ भी लेके ना आए। सॉडस्ट वुड सेविंग फ्रॉम अनट्रीटेड वुड। तो अगर कोई अनट्रीटेड वुड है उसके सॉडस्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, जिप्सम, चॉक, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनको भी रेयरली इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी मिनरल बेस्ड है, मैग्नीशियम रॉक, सोडियम क्लोराइड, इनको जब जरूरत हो, बहुत जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए। बैक्टीरियल प्रिपरेशंस में बायोफर्टिलाइजर्स जैसे कि एजोस्पर्म है, राइजोबियम है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। बायोडायनामिक प्रिपरेशंस है, प्लांट प्रिपरेशन एंड एक्सट्रैक्ट लाइक नीम केक, तो नीम केक को भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर हम अपने फार्म में प्रिपेयर करते हैं उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि कोई भी मैन्योर अगर हम प्रिपेयर करें तो उसको हम अपने ही फार्म में प्रिपेयर करके यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्म में। रिस्ट्रिक्टेड मैन्योरिंग प्रोडक्ट इन ऑर्गेनिक फार्म, इसमें फर्स्ट पे ही है फार्म एंड मैन्योर, स्लरी, यूरिन, स्ट्रॉ एक्सेट्रा फ्रॉम अदर फार्म। अदर फार्म का कुछ भी हम इस्तेमाल ये सब नहीं करेंगे। ब्लड मील, बोन मील, फिश मील, ये सब प्रिजर्वेटिव है, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्म में। मिनरल लाइक बेसिक स्लैग, सल्फेट ऑफ पोटास, ये सभी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी ट्रेस एलिमेंट और जो वर्मी कंपोस्ट फ्रॉम अदर फार्म्स हैं इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है पेस्ट, वीड एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो पेस्ट, वीड और डिजीज मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पेस्टिसाइड यूज करते हैं और वीड को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट वीडिसाइड यूज करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्म में हमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड,
फेंगिसाइड या फिर वेडिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है ये। यहाँ पे हम जो डिजीज मैनेजमेंट है या पेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेचुरल एनिमीज या फिर प्रेडेटर्स को यूज करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के लिए ये उस पर फीड करेंगे, प्रेडेटरी होते हैं उस पर, तो वो उसका पॉपुलेशन डिक्रीज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे नेचुरल एनिमीज और प्रेडेटर्स को प्रमोट करेंगे। प्रोडक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम द लोकल फार्म एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिपरेशन डन इन द फार्म आर अलाउड फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। तो अपने फार्म पे हम कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार करके हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज कर किया ही जाता है, जैसे कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। तो जो नीम सीड का जो एक्सट्रैक्ट हम काउ यूरिन के साथ मिक्स करके बना के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काउ यूरिन स्प्रे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद स्लैश वीडिंग इज टू बी डन विद इन बिटवीन द क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट्स, वीड्स अंडर द बेस ऑफ द प्लांट शुड बी क्लीन एंड पुट एज मल्च अराउंड द प्लांट बेस। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे हम वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमको मैनुअल तरीके से वीड को फील्ड से हटाना चाहिए जो क्रॉप के बीच में है। तो उसको हम स्लैश वीडिंग करके वो हटाएंगे उसको, और उस जो भी जो भी लोअर पोर्शन है, जो भी ग्राउंड दो क्रॉप के बीच का पोर्शन है, उसको हम क्लीन करेंगे मैनुअली। प्रोडक्ट्स परमिटेड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ये सभी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक फार्म में परमिटेड है, जैसे कि नीम ऑयल एंड अदर नीम प्रिपरेशंस लाइक नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, केक्स, क्रोमेटिक ट्रैप्स, मैकेनिकल ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स। ये डिफरेंट ट्रैप्स हैं जिसको कि इस्तेमाल करके हम जो भी इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ सकते हैं। प्लांट बेस्ड रिपेलेंट्स, ये कुछ रिपेलेंट प्लांट कुछ ऐसा सेक्रेट करता है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं एज इंसेक्ट रिपेलेंट, या फिर सॉफ्ट सोप या क्ले का जो मटेरियल है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो ये सभी मेथड्स इस्तेमाल करके हम प्लांट प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्म में। ये सभी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो कोई भी फंगिसाइड, कॉपर बेस्ड फेब्रेशन जो भी, जैसे कि बारोडॉक्स मिक्सचर है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। प्लांट एंड एनिमल प्रिपरेशन, काउ यूरिन स्प्रे, गार्लिक एक्सट्रैक्ट, चिली एक्सट्रैक्ट, तो कोई भी ऐसा फ्रॉम अदर सोर्स, ये इसका कहने का मतलब है कि ये हम अपने फार्म का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अदर फार्म से लिया हुआ कोई भी हम फॉर्मुलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। केरोसिन ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिलीज ऑफ पारासाइट प्रेडेटर्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, तो यहाँ पे सल्फर, कोई भी पारासाइट जो कि है हमारा या प्रेडेटर्स अपने फील्ड का है उसी को हम यूज करेंगे, बाहर के फील्ड से कोई अदर हम कुछ नहीं लेके आएंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक क्लोज क्लोज साइकिल फॉलो करनी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो कोई भी बायो पेस्टिसाइड्स है या फिर सल्फर, इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इसमें हम सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेज है, जैसे कि स्टोन पीचिंग है या फिर कंटूर वॉल कंस्ट्रक्शंस हैं। तो कंटूर का जो है हम लोग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे कि वहाँ पे सॉयल इरोजन ना हो। अगर सॉयल सेलाइन सॉयल है तो कोशिश करना चाहिए कि सेलाइन रेसिस्टेंट वेराइटी ही वहाँ पे ग्रो की जाए, नहीं तो फिर नॉर्मल जो भी वेराइटी है वो सस्टेन नहीं करेगा। ज्यूडिशियस इरिगेशन एंड सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर टू बी प्रैक्टिस्ड। तो जितनी जरूरत हो इरिगेशन की और जो भी मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए जरूरत हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मल्चिंग रिकमेंडेड किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी प्रिवेंटेड। तो किसी भी तरह का जो है पॉल्यूशन, अगर कोई भी ऐसा कंटामिनेंट अगर हम अप्लाई कर रहे हो उसको यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो। क्लियरिंग ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट इज प्रोहिबिटेड। तो किसी भी तरह का अगर प्राइमरी फॉरेस्ट है तो उसको हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। क्लियरिंग ऑफ लैंड थ्रू स्ट्रॉ बर्निंग और प्लांट रेसिड्यू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बी मिनिमम। तो किसी भी तरह का स्ट्रॉ बर्निंग या फिर स्टबल बर्निंग हमें, या प्लांट रेसिड्यू बर्निंग हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नहीं करनी है।
कंटामिनेशन कंट्रोल हम कैसे करते हैं हम, तो जब हम शुरू शुरू में शिफ्ट करते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उस दौरान 2 से 3 साल तक जो है हमारा फील्ड जो है डिस्टिंक्ट हो, इसके लिए एक जरूरी है कि बीच में एक बफर जोन तैयार किया जाए। तो बफर जोन कैसा होगा, तो ये इसमें कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाए जाए जिसकी हाइट दुगुनी हो हमारे जो क्रॉप हम ऑर्गेनिक क्रॉप ले रहे हो उससे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हम चीली ग्रो कर रहे हैं और या एज ऑर्गेनिक क्रॉप, तो फिर हम कास्टर ले सकते हैं बफर जोन में एक क्रॉप। तो और ऐसे कंडीशन में जो भी क्रॉप हम बफर जोन में ग्रो करते हैं वो क्रॉप जो है वो ऑर्गेनिक की तरह सेल नहीं किया जाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट जो होगा कन्वेंशनल जो फूड आइटम है उसकी तरह सेल किया जाएगा। द क्रॉप ग्रोन इन बफर जोन शुड बी सोल्ड एज नॉन ऑर्गेनिक। तो ये ध्यान देने की बात है कि जब तक ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक के बीच का जो बफर जोन का जो क्रॉप है नॉन ऑर्गेनिक होगा। इफ द फार्म इज अंडर कन्वर्सन इक्विपमेंट्स यूज फॉर कन्वेंशनल एरिया शुड बी वेल क्लीन्ड बिफोर यूजिंग इन ऑर्गेनिक एरिया। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो फार्म ऑर्गेनिक है उसके लिए अलग से फार्म इक्विपमेंट्स हो, अगर नहीं है तो फिर अगर हम किसी दूसरे एरिया से अगर फार्म इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हमको उसको प्रॉपर क्लीनिंग के बाद ही ऑर्गेनिक एरिया में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स पॉलीथीन प्रोपाइलीन या फिर पॉलीकार्बामेट्स के सीड्स होते हैं जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज क्रॉप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की तरह या इंसेक्ट नेटिंग नेट की तरह, नर्सरी की तरह, या फिर इसकी मल्ची मल्च सीट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको किसी भी तरीके का जो है उसका बर्निंग हमको इसमें नहीं करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बर्निंग अगर नहीं कर बर्निंग करेंगे तो फिर उस फील्ड में वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इन सभी मटेरियल्स को हमें ध्यान देना है कि यूज के बाद उसका प्रॉपर स्टोरेज हो और प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो, किसी भी तरीके से फील्ड में उसको जलाया ना जाए। इसके अलावा पॉलीक्लोराइड बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है जैसे पीवीसी पाइप्स हैं इसका इस्तेमाल भी बैन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो पीवीसी के जो पाइप हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक फार्म के जो प्रोडक्ट हैं उसको कैसे किया जाए, तो प्रोसेसिंग टेक्निक लाइक सोलर ड्राइंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, हॉट एयर चैम्बर्स आर परमिटेड। तो जो क्रॉप हमारा हार्वेस्ट होता है उसको सोलर ड्राइंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, हॉट एयर चैम्बर में रख के हम उसको ड्राई कर सकते हैं। इरेडिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज नॉट परमिटेड। डायरेक्टली हम उसको सन के एक्सपोजर में नहीं रखना चाहिए, उसको परमिटेड नहीं है। नो सिंथेटिक एडिटिव्स और डाइज आर टू बी एडेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। किसी भी तरीके का सिंथेटिक एडिटिव या डाई इसको ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग के समय उसको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है लेबलिंग। द लेबल शुड कन्वे क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनिक स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी ऑर्गेनिक फूड है हमारा प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर उस फार्मर को ग्रांट हो जाता है तो फिर वो ऑर्गेनिक फूड का जो भी लोगो है उसको उस प्रोडक्ट पे उसको शो करना पड़ेगा, सो दैट कि ये इंडिकेट करेगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, तो वो ऑर्गेनिक की तरह सेल हो पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि एक लेवल होना चाहिए जो शो करे कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। द लेवल फॉर ऑर्गेनिक एंड कन्वर्सन इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल बाय डिफरेंट कलर लेवल्स। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा है, एक प्रोडक्ट होगा ऑर्गेनिक फार्म का, दूसरा प्रोडक्ट होगा बफर जोन का, तो ये क्लियरली दिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक एंड दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम बफर जोन, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं हो सकते। तो फिर उनको जो है प्रॉपर कलर के जो लेबल्स हैं उससे उनको दिखाना चाहिए। द डिटेल्स लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी नेम, एड्रेस ऑफ द प्रोड्यूसर, नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन एजेंसी, सर्टिफिकेशन लॉट नंबर, ये सभी चीजें जो है उस पे डिटेल में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के लिए, ऑर्गेनिक फूड की पैकेजिंग के लिए कुछ ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है जो कि री यूज हो सके। जैसे कि हमारा जूट के बैग्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको भी परमिटेबल है।
लेकिन कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे पॉलीथीन सीट्स हैं, ये सभी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अननेसेसरी पैकेजिंग भी हम नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करेंगे। ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टुगेदर एक्सेप्ट व्हेन लेबल्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिक्सअप। तो ये ध्यान रखनी चाहिए हमें कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो एक साथ स्टोर और ट्रांसपोर्ट ना किए जाएं। अगर फिर भी अगर मान लीजिए बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि हमें दोनों साथ ट्रांसपोर्ट करना है या स्टोर करना है, तो ये ध्यान देने की बात है कि वहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए जो शो करे कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट ऑर्गेनिक। तो ये क्लियरली मिक्सअप होने से बचाएगा। मिक्सअप हो जाएगा तो फिर वहां पे हमारा जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी हमने मेहनत किया है वो सभी हमारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम ऑर्गेनिक फूड को वहां पे जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सोशल राइट्स एंड जस्टिस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। द लॉज रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन शुड बी ऑनर्ड। तो हर किसी के जो भी राइट्स हैं और वेलफेयर हैं उसको ध्यान से उनका सम्मान करते हुए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो भी लेबर्स होंगे उनको जो है एक्सेस टू पोटेबल वाटर, फूड, हाउसिंग, एडुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सभी मिल सके। इसके अलावा सभी को इक्वल वेज मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बायसनेस। ये बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेक्स्ट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फार्म की एक्टिविटीज का एक रिटन फॉर्म में जो भी एक्टिविटीज की गई है उसका डिटेल होता है, और उसके साथ साथ क्या प्लानिंग है, कैसे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, उसको डिटेल में वो शो करता है। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ फार्मर मेंटेन करता है अपने साथ, जैसे कि फील्ड मैप है, फील्ड हिस्ट्री सीट है, एक्टिविटी रजिस्टर है, इनपुट रिकॉर्ड है, आउटपुट रिकॉर्ड, हार्वेस्ट रजिस्टर, स्टोरेज रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड्स, मूवमेंट कंट्रोल्स, इक्विपमेंट क्लीनिंग रिकॉर्ड्स, लेवलिंग रिकॉर्ड्स। तो मतलब हर स्टेप के जो भी एक्टिविटीज हुए हैं फार्मर्स उसको उस रिकॉर्ड में मेंटेन करता है, सो दैट कि वो दिखा सके सर्टिफाइंग एजेंसी को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। अब सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है तो उसमें सर्टिफिकेशन बाय ऑथेंटिक एजेंसी नॉर्मली कॉल्ड थर्ड पार्टी विल इंश्योर द कन्फर्मिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू द नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार एक थर्ड पार्टी एजेंसी जो है वो इंस्पेक्ट करती है, और वो फिर अगर सही पाती है उस प्रोडक्ट को तो फिर उस जो भी प्रोडक्ट है उसको जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जनरली जो है सर्टिफिकेशन तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट सर्टिफिकेशन। तो डायरेक्ट सर्टिफिकेशन में कोई भी इंटरनेशनली एक्टिव सर्टिफाइंग एजेंसी जो जिसको कि ऑथराइजेशन हो यूरोपियन यूनियन से या फिर यूएसए से या फिर किसी भी अदर कंट्री से, वो क्या करेगा तो वो थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करेगा, और वो जो फार्मर होगा उसकी फील्ड को विजिट करेगा और उसको विजिट करके अपना रिपोर्ट देगा, और फिर अगर वो सही होगा तो फिर उसको सर्टिफाई करेगा, किया जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। तो फिर उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएगा ऑर्गेनिक फूड की तरह। इसमें एक एडवांटेज है इस मेथड में कि प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लायक अपना प्रोडक्ट जो है और उसका सर्टिफिकेशन इस प्रोसेस के थ्रू करवा सकता है। अगर मान लीजिए किसी फार्मर को डायरेक्टली यूएसए में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो चाहे तो वो यूएसए से सर्टिफाइड कोई भी इंटरनेशनली एक्टिव जो भी एग्रीडेशन बॉडी होगी उससे अपना सर्टिफिकेशन करवाएगा, और वो सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद डायरेक्टली जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस का कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसको स्मॉल फार्मर जो है और लो इनकम फार्मर जो है उसको बियर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड को सर्टिफिकेशन।
तो इस कोर्स सर्टिफिकेशन में होता है कि जो इंटरनेशनली एक्टिव सर्टिफाइंग एजेंसी है वो किसी एक सर्टिफाइंग एजेंसी को एक्रीडेट करती है, अपने नीचे के किसी भी एक्रीडेट सर्टिफाइंग एजेंसी को एक्रीडेट करती है, और वो फिर थर्ड पार्टी की तरह जाके उस पर्टिकुलर फार्मर के फील्ड को विजिट करती है किसी तीसरे किसी दूसरे कंट्री में। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी फार्मर को सर्टिफिकेशन लेना है कोर्स सर्टिफिकेशन के थ्रू, जैसे इंडिया के किसी फार्मर को कोर्स सर्टिफिकेशन लेना है यूरोपियन यूनियन के किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा, तो उसके लिए जो फार्मर है या इंडिया का है उसको अप्रोच करना होगा जो भी सर्टिफाइंग एजेंसी है उसको, और फिर वो जो इंटरनेशनली एक्टिव सर्टिफाइंग एजेंसी है वो इंडिया में उसके द्वारा जो भी एक्रेडिटेड एजेंसी होगी वो फिर इंस्पेक्ट करेगी उस फार्मर के फील्ड को, और फिर जब सब कुछ सही पाया जाएगा तो फिर उसको को इस प्रोसेस के थ्रू उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा। द ऑथेंटिसिटी ऑफ को सर्टिफिकेशन एजेंसी इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन चेंजिंग रूल्स, क्योंकि यहाँ रूल्स चेंज होते रहते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, तो ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि को सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो कितना ऑथेंटिसिटी के साथ उसको सर्टिफिकेट देती है या नहीं देती है। हाउएवर द कॉस्ट फॉर सर्टिफिकेशन विल बी लेसर कंपेयर टू डायरेक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी। यहाँ पे जो डायरेक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी की तुलना में यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा सर्टिफिकेशन का कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ही उसके द्वारा सर्टिफाई की गई हुई एजेंसी है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा जो भी खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसके कारण से यहाँ पे सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सर्टिफिकेशन। तो नेशनल सर्टिफिकेशन में होता है कि एक लोकल कंट्रोल बॉडी हमारे देश का ही जो है वो इंस्पेक्ट करता है और फिर सर्टिफाई करता है कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक फूड है ये ऑर्गेनिक, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं एनपीओपी की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके इसको उगाया, उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो फिर उसको जो है इस तरीके से यहाँ नेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इन लोकल मार्केट एंड द अदर कंट्रीज दैट एक्सेप्ट द नेशनल नॉर्म्स। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट है जिसको कि हम नेशनल सर्टिफिकेशन से सर्टिफाई करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम अपने लोकल मार्केट में ही बेच सकते हैं या फिर किसी ऐसे कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे नेशनल नॉर्म को एडॉप्ट करके उसको एक्रीडेट किए हुए हैं। तो अगर हमारा, अगर यूएसए ने इंडिया के एनपीओपी को गाइडलाइन को सही समझा है तो डायरेक्टली वो इंडिया का जो फार्मर है जो कि एनपीओपी के गाइडलाइन से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो सीधा वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री के लिए अगर वो इंडिया का अगर सर्टिफिकेशन उसको मान्य नहीं होगा तो फिर उस फार्मर के लिए यहाँ का इंडिया का लोकल मार्केट ही में ही उसको वो सेल कर पाएगा। सिंस दीज सर्टिफाइंग एजेंसीज आर लोकल द इंस्पेक्शन फी ऑल्सो विल बी लोअर कंपेयर टू डायरेक्ट और को सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो ये पीछे के जो भी जो मेथड्स मैंने बताया डायरेक्ट सर्टिफिकेशन या को सर्टिफिकेशन, उसकी तुलना में यहाँ पे इंस्पेक्शन के जो भी चार्जेज हैं वो कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में ही कोई इंस्पेक्शन एजेंसी हमें इंस्पेक्ट करेगी और फिर वहाँ पे हमें सर्टिफाई करेगी। द स्टैंडर्ड्स फॉर एक्रेडिटिंग ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज आर मेंशनड इन सेक्शन 4 ऑफ एनपीओपी अंडर 3 हेड्स एबीसी। तो जो सेक्शन 4 है एनपीओपी गाइडलाइन का, वो जो एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी का बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 5 डील्स विद द गाइडलाइंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग ग्रोअर ग्रुप्स एनी सच एजेंसी। तो कुछ ग्रोअर्स ग्रोअर ग्रुप होते हैं अभी आगे देखेंगे हम, तो उसमें सर्टिफिकेशन एक इंडिविजुअल लेवल पे ना होके एक कलेक्टिव फार्मर्स के ग्रुप के लिए होता है, तो उसके बारे में डिस्कस सेक्शन 5 में होता है। तो इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी शुड फॉलो द एनएसओपी गाइडलाइन नोटिफाइड अंडर द फॉरेन ट्रेड, जो भी इसका एक्ट है उसके डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जो भी बनाया गया नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसको प्रैक्टिस करना है। अब ग्रुप सर्टिफिकेशन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ग्रुप सर्टिफिकेशन इंडिया में जो है प्रैक्टिस इसलिए होता है
क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो रिसोर्स पुअर हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं। इसके अलावा उनके जो होल्डिंग्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, वो भी स्मॉल साइज हैं। तो इस कारण से उनको जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर लेना पड़े तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है। तो ऐसे कंडीशन में ये ग्रुप सर्टिफिकेशन फॉलो किया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे होल्डिंग वाले जो फार्मर्स होते हैं, रिसोर्स पुअर फार्मर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होके एक ग्रुप बनाते हैं और या फिर कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, और फिर वो उनका कलेक्टिव एक लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग टू ट्रांसपोर्टेशन सब एक साथ होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है यहाँ पे थोड़ा सा चीपर हो जाता है ड्यू टू दिस ग्रुप सर्टिफिकेशन। तो टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ग्रुप सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हैज कम इन टू ऑपरेशन। तो ये ग्रुप सर्टिफिकेशन जो है छोटे छोटे फार्मर्स के लिए होता है जो ग्रुप में एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। तो इसका होता है दो तरीके से, एक्चुअली इसका दो तरीके का सिस्टम बनाया गया है। पहला है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये दो तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं ग्रुप सर्टिफिकेशन के अंतर्गत, जिसमें इंटरनल कंट्रोल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होता है दैट अलाउज एन अप्रूव्ड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एजेंसी टू डेलीगेट द एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर टू एन आइडेंटिफाइड बॉडी विद इन द सर्टिफाइड ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये ICS जो है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और ये रिटन डॉक्यूमेंट जो जो भी फार्मर्स उस ग्रुप में होते हैं उन सभी को दिया जाता है। और ये कुछ ऐसे लैंग्वेज में होता है जो कि वहाँ के फार्मर्स लोकली समझ सकते हो और सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज हो, जिससे कि हर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें करना क्या है। तो ये ICS एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसको कि फार्मर्स को दिया जाता है, और इसी ICS को जो है फर्दर जो सर्टिफाइंग एजेंसी है वो एग्जामिन करती है, और उसी के हिसाब से एनुअल इंस्पेक्शन होता है। किसी भी फार्मर के फील्ड पे इंस्पेक्शन हो सकता है रैंडमली जो उस पार्टिकुलर ग्रुप के सदस्य होते हैं। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग इंडिविजुअल फार्मर्स इंस्पेक्शन कॉस्ट टू रीजनेबल लेवल। तो चूंकि यहाँ पे एक ग्रुप में हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट जो सर्टिफिकेशन का है वो बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन टू अदर मेथड। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए 100% रिजाइम ऑफ। तो जो ग्रुप है जो कि कोऑपरेटिव कह सकते हैं, तो जो ग्रोवर्स ग्रुप है वो जो भी रिकॉर्ड्स रिटन फॉर्म में मेंटेन करना हो वो मेंटेन करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। जो भी रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड, डाटा कीपिंग से जो भी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ग्रोअर्स ग्रुप करते हैं। और इंस्पेक्टिंग एजेंसी क्या करती है, तो ये रैंडम सैम्पलिंग करती है फॉर सर्टिफिकेशन। किसी भी फार्मर के फील्ड पे जाके रैंडम सैम्पलिंग करेगी, जरूरत पड़ी तो री इंस्पेक्शन करके फिर से सैंपल इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसका रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट मेथड हमने बताया पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये थोड़ा सा अलग है ICS से। ये इसमें होता है इट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इंस्पेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी लेवल पे इंस्पेक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में मेंटेन होता है। और इस तरह का जो इंस्पेक्शन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो NPOP NSOP की जो गाइडलाइंस हैं उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसको जो है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इसके प्रोडक्ट को थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ये इस तरीके का जो ये पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है ये यूजफुल है टू प्रमोट एंड सपोर्ट लोकल मार्केट नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। लोकल लेवल पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये एक अच्छा सिस्टम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है
कि इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जो है जो भी एनएसओपी के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाता है, बट इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वो कंट्री जो है उसको मान्यता नहीं देती है, तो इसको आप नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट पर्पस पे यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन इंडिया में अगर हम इसको सेल करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज दैट इम्प्लाइज, ये पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम का खास बात यह है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को एक सिंपल वेरिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम की तरह रखते हैं, जिसमें मिनिमम ब्यूरोक्रेसी है, मिनिमम रिटर्न वर्क है, मिनिमम कॉस्ट है, एनवायरमेंट एंड सोशल एडुकेशन, इसमें हम कंज्यूमर तक और प्रोड्यूसर के बीच में एक जागरूकता फैलाने में हेल्पफुल होता है, और इसमें कोई भी डायरेक्ट जो है कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर पे इम्पोज नहीं होता है। और लेकिन यही इसका एक डिमेरिट है कि इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट रेगुलेटेड अंडर एनपीओपी, ठीक है, तो एनपीओपी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए जाने के कारण से इसको जो है हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में हम इसको लोकल लेवल पे इस सिस्टम का यूज करके हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनएसओपी, ये कुछ जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं इंडिया में, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम क्राइटेरिया एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस, तो किन किन तरीकों से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे एक्रेडिटेशन होता है, ये सभी चीजें इस एनएसओपी की गाइडलाइन में मेंशन है, जिसका सेक्शन 3 ऑफ द एनपीओपी डील्स विद द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड कल्टीवर्स और प्लांट मटेरियल्स आर नॉट प्रोहिबिटेड, तो ये चीजें बार बार आ रही हैं कि किसी भी तरीके का जेएम मटेरियल जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करेंगे। द सीड फॉर राइजिंग ए क्रॉप शुड आइदर बी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड, और इफ ऑर्गेनिक सीड इज नॉट अवेलेबल, सीड फ्रॉम कन्वेंशनल फार्म विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट में बी यूज्ड। तो पहला है कि सीड मटेरियल क्या होना चाहिए, तो सीड मटेरियल हमारा कोशिश करना चाहिए कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसी में से थोड़ा मटेरियल हम सीड की तरह रखें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कन्वेंशनल फार्मिंग का सीड ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमको किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट जो फंगिसाइड से करते हैं वो हमें नहीं करना है। और अगर कोई फार्मर कन्वर्ट होता है फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक फार्म, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार में ही पूरा हो जाए, स्टेप बाय स्टेप मैनर होने से इसका जो है प्योरिटी मेंटेन करने में हम सफल होते हैं, अदरवाइज इसको जो है एक लार्ज सिस्टम को हम मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल पार्ट ऑफ द फार्मर सेपरेट एंड इंस्पेक्टेबल, तो ऐसे जो भी कन्वर्सन पीरियड वाले जो भी फेज हैं उस पीरियड में कोशिश करना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग का जो भी एरिया है वो अलग अलग हो और सेपरेट हो, अगर एक साथ मिक्स होंगे तो फिर वहां पे प्योरिटी में दिक्कत होगी। फार्मर्स फार्म्स अंडर कन्वर्सन टू ऑर्गेनिक शुड बी सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन बाय द एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन बॉडी टू इंश्योर गेटिंग सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी फार्मर अप्लाई करता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, तो शुरू के 2 से 3 साल तक जब कन्वर्सन फेज में रहता है तो जो एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन बॉडी है वो उसको इंस्पेक्ट करती है, और जब वो पाती है कि अब प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक फूड के रूप में सेल करने के लिए तैयार है तो फिर उसको इंस्पेक्शन के बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कैन बी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक व्हेन द नेशनल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मेट, तो अगर जो भी प्रोडक्ट है अगर एनपीओपी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर सही पाया जाता है तो उसको 2 साल के अंदर, अगर एनुअल क्रॉप है तो उसको जो है 2 साल के साइकिल के बाद उसको ऑर्गेनिक फूड का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। सिमिलरली अगर पेरिनियल क्रॉप है तो उसको 3 साल में दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑफ माइक्रोबियल प्लांट प्लांट और एनिमल ऑरिजिन शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम, तो फर्टिलाइजेशन मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसी का हम इस्तेमाल करें।
Manures containing human excreta cannot be used as used on vegetation for human consumption. तो इसको भी हमको अवॉइड करना चाहिए, ह्यूमन एक्सक्रेटा जो भी है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करेंगे. मिनरल फर्टिलाइजर शुड ओनली बी यूज इन सप्लीमेंट्री रोल टू कार्बन बेस्ड मटेरियल. तो मैंने पीछे भी बताया है कि कोई भी मिनरल फर्टिलाइजर को रेयरली यूज करना है, अगर एकदम जरूरत करने की बहुत ही जरूरत आवश्यकता है तभी उसको इस्तेमाल हम करेंगे. चिलियन नाइट्रेट एंड ऑल सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो भी हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. मिनरल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन देयर नेचुरल कंपोजिशन. तो जो भी नेचुरल कंपोजिशन है मिनरल फर्टिलाइजर का उसी फॉर्म में उसको हम इस्तेमाल करेंगे. प्रोडक्ट यूज फॉर पेस्ट डिजीज एंड वीड मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड एट द फार्म फ्रॉम लोकल प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अलाउड. जो भी लोकल लेवल पे हमारा मटेरियल हम प्रिपेयर करेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं यूज करेंगे. किसी भी तरीके का सिंथेटिक हर्बिसाइड फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. इन केस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन ऑफ कंटामिनेशन, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम जो कंटामिनेशन का सोर्स है उसको पता करेंगे और फिर उसको जो है उसको रिमूव करेंगे फील्ड से. और फील्ड में हम पॉलीथीन पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीकार्बामेट्स को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कवरिंग के लिए या फिर मल्चिंग के लिए, लेकिन हम इसको जलाएंगे नहीं फील्ड में. और पीवीसी फिल्म पीवीसी का जो पाइप होगा उसको हम कंप्लीटली प्रोहिबिट करेंगे कि उसको हम यूज ना करें ऑर्गेनिक फार्म में. अब है एनएसओपी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो ये उसका एनएसओपी का जो सेक्शन 3 है एनपीओपी का वो डिस्कस करता है एनएसओपी के बारे में. तो ये तीन हेडिंग में होता है. पहला हेडिंग है जिसको ए हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री इन जनरल. तो यहाँ पे चूंकि ये शो करता है शुरू का स्टेज जब ये कन्वर्सन फेज का होता है उस पीरियड में कन्वर्सन फेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैनेजमेंट लैंडस्केप ये सब डिस्कस करता है. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में है क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है, कन्वर्सन पीरियड का लेंथ कितना होगा, क्रॉप प्रोडक्शन की डाइवर्सिटी कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन पॉलिसी कैसी होगी, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट वीड मैनेजमेंट कैसे होगा, कंटामिनेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हमें कैसे करेंगे, कलेक्शन एंड ऑफ नॉन कल्टिवेटेड मटेरियल फ्रॉम प्लांट ओरिजिन एंड हनी. तो ये अदर कोई अगर हमारा इंटरप्राइज है तो वहां से हम कैसे अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करेंगे, ये सभी चीज ये जो डिटेल में ये क्रॉप प्रोडक्शन वाले हेडिंग में इसको मेंशन किया गया है. नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये दी गई है. इसके बाद फूड प्रोसेसिंग है, लेबलिंग है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट है. मतलब एनएसओपी में एनपीओपी के हिसाब से पूरा फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग टू लेबलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट हर एक एक स्टेप का जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ऑर्गेनिक फार्म में हमको कैसे किस तरीके से मेंटेन करना है. नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट. मोस्ट ऑफ जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसका जो प्रोडक्ट है किसी भी फार्मर का मेन पर्पस है कि उसको एक्सपोर्ट किया जाए. तो उसके लिए द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा एक मैंडेटरी किया गया है कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाएं वो सर्टिफाई हो कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक. तो इसके लिए जो भी सर्टिफाइंग एजेंसी है उस प्रोडक्ट को पहले सर्टिफाई करती है और फिर उसका एक्सपोर्ट होता है. द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हैड रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. तो इंडिया का जो भी एनपीओपी का गाइडलाइन है उसको यूएसडीए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा उसको जो है मान्यता दी गई है. तो इंडिया का फार्मर जो एनपीओपी के गाइडलाइन से फार्मिंग करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग वो डायरेक्टली यूएसए और यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. अब ये कुछ अपेंडिक्स है जो दिखाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये चीजें मैं पीछे बता चुका हूँ लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर अपने खुद के ऑर्गेनिक फार्म यूनिट का प्रिपेयर्ड FYM पोल्ट्री मैन्योर स्लरी यूरिन क्रॉप रेसिड्यू ग्रीन मैन्योर स्ट्रॉ ये सभी हैं तो इसको हम परमिट करेंगे. लेकिन
किसी भी तरीके का अगर बाहर का अगर ये सब मटेरियल होगा तो उसको इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ब्लड मील, बोन मील, मीट मील, इसको इस्तेमाल हम ये सब कंसंट्रेटेड मैन्योर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव जो है इसको हम इस्तेमाल फील्ड में नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फिश, फिश प्रोडक्ट, गोएनो, ये सभी रिस्ट्रिक्टेड है। ह्यूमन एक्सक्रीटा नॉट अलाउड। किसी भी तरीके का बाय प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री का अलाउड नहीं है। पीट विदाउट सिंथेटिक एडिटिव ये अलाउड है, परमिटेड है। सॉडस्ट, वुड सेविंग्स ये अलाउड है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीवीड प्रोडक्ट, सीवेज स्लज, स्ट्रॉ, वर्मी कास्ट, एनिमल चारकोल, कंपोस्ट फ्रॉम आउटसाइड, हमारे फार्म के बाहर का ये सभी प्रोडक्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक हाउस होल्ड रेफरेंस ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। कंपोस्ट फ्रॉम प्लांट रेसिड्यू परमिटेड है, क्योंकि वहीं पे हम सेम अपने फार्म पे बना के प्रिपेयर करेंगे तो फिर वो परमिटेड हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ऑयल पाम, कोई भी बाय प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। और किसी भी तरीके का मिनरल रेयरली इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे बेसिक स्लैग, कैल्केरियस मैग्नीशियम रॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल पोटेशियम, नेचुरल फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सभी रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन कैल्सिफाइड सीवीड और कैल्शियम क्लोराइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वुडेन फॉर्म में कोई भी अगर वुड है, वुड एस फ्रॉम अनट्रीटेड वुड, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड कहीं कहीं दिखाता है कहीं कहीं, बट मोस्ट ऑफ देम जो है वो अलाउड है। इसके बाद कुछ मिनरल्स अलाउड हैं और कुछ नहीं अलाउड है। जैसे पीछे हमने देखा है कैल्शियम क्लोराइड अलाउड है, और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम सभी अलाउड हैं, लेकिन और दूसरे भी जो मिनरल हैं वो अलाउड नहीं है। इसके बाद माइक्रोबियल प्रिपरेशंस की बात करें तो बायोफर्टिलाइजर्स अलाउड हैं, बायोडायनामिक प्रिपरेशंस अलाउड हैं, प्लांट प्रिपरेशंस एंड बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट और वर्मीकल्चर का जो भी वर्मी कंपोस्ट है वो अलाउड होगा, पीट भी अलाउड होगा। तो अब ये सभी प्रोडक्ट हैं जो पेस्ट और डिजीज कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा नीम का प्रोडक्ट है वो कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कंट्री में ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस कंडीशन में हमको वहाँ पे नीम का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज हमको ध्यान देने की बात है कि इंडिया में ये अलाउड है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउड है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये अलाउड कहीं कहीं नहीं है, तो वहां पे हमको इसके फॉर्मुलेशंस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स में हम लोग सबसे पहला नॉर्म्स हम देखेंगे IFOM के द्वारा जो भी बनाए गए नॉर्म्स हैं। तो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि IFOM जो है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेब्लिश हुआ था 1972 में फ्रांस में। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक कॉमन स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन एंड मार्केट आइडेंटिटी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को दें, जिससे कि उस प्रोसीजर को फॉलो करके फार्मर अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में सेल कर सके। तो इसके लिए जो है 125 कंट्रीज के आसपास इंक्लूडिंग इंडिया जो है मेंबर हैं IFM का। और IFM के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं, IFM बेसिक स्टैंडर्ड्स और दूसरा है IFM एक्रेडिशन क्राइटेरिया। तो IFM बेसिक स्टैंडर्ड्स और जो भी IFM एक्रेडिशन क्राइटेरिया है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग उनको बोलते हैं IFM नॉर्म्स। इसमें IFM बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है ये डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोसेस्ड करें, कैसे उसकी हैंडलिंग होगी, ये उसको डिफाइन करता है। और इसके लिए उसने प्रॉपर गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम 1980 में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद ये हर 2 साल पे ये रिवाइज होता है। IFM बेसिक स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड।
मतलब ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है स्टैंडर्ड का, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड। तो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट फोकसेज ऑन द नॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, विज मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, लेवलिंग, ट्रांसपोर्ट, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हर स्टेप का क्या कैसे करना है ये सभी IOFM बेसिक स्टैंडर्ड में मेंशन है, ठीक है। और इसी ये एक्चुअली इसी को बेस बना के डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने गाइडलाइंस तैयार किए हैं, जिसमें हमारा इंडिया में NPOP गाइडलाइंस फॉलोड है, और ये भी IOFM की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही बनाया गया है। IOFM स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो इसका जो स्टैंडर्ड्स है ये कुल तीन प्रिंसिपल पे बना हुआ है। पहला है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की बात का जो है डिस्कशन हुआ है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें कुछ इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिसमें उसमें जो भी इकोलॉजिकल डिफरेंट जो भी इंटरप्राइजेज हैं या जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहें, एक उसमें सामंजस्य बना रहे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लंबे समय तक ले सकें। तो ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि हम किसी भी ऐसे मटेरियल को अपने ऑर्गेनिक फार्म में ना ऐड कर दें जो हमारे ऑर्गेनिक फार्म के लिए हानिकारक हो। ऐसे मटेरियल को हम यूज करने में प्रिकॉशन हमको बरतना चाहिए, और इसको जो है हमको कोशिश करना चाहिए कि जब तक ना उस प्रिंसिपल में मेंशन नहीं हो कि हमें यूज करना चाहिए तब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे। सिस्टम प्रिंसिपल है, तो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस एंड इनपुट्स इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुड बी जज्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनिज्म एंड नॉट एंड एंड द बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट गवर्न द इंटरेक्शन विद इन द लिविंग सिस्टम। तो सिस्टम प्रिंसिपल के अनुसार जो है जो प्रैक्टिसेज और प्रोसेसेस जो है हमको ऑर्गेनिक फार्म में ऐसे अडॉप्ट करना है कि उसको जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ना बिगड़े, जो भी बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो कंटिन्यू होती रहे, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यू रहे। और ये कंटिन्यू रहेगा तभी हमारा जो सॉइल है वो लिविंग रहेगा, क्योंकि माइक्रोबियल पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही अनिवार्य हैं। तो IOFM एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया नेक्स्ट है। ये सभी हमने देखा IOFM बेसिक स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत ये सभी प्रिंसिपल्स आते हैं। अब है IOFM एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया। तो एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया में जो है ये एक्चुअली ये सर्विस जो है जो भी IOFM प्रोवाइड करता है फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, इसी को हम लोग इसमें स्टडी देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज के एक्रेडिटेशन के लिए। ये इसके अंतर्गत आता है। द IOFM एक्रेडिटेशन इज अवार्डेड टू सर्टिफिकेशन बॉडीज दैट यूज सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स दैट मीट द IOFM बेसिक स्टैंडर्ड। तो जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी या सर्टिफिकेशन बॉडी IOFM के द्वारा बताए गए जो भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जो भी सर्टिफाई करते हैं उन सभी को IOFM के द्वारा एक्रेडिट किया जाता है एज सर्टिफाइंग बॉडीज। और ये सर्टिफाइंग बॉडीज जो है डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानी चाहिए। और IOFM एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के बेसिकली तीन जो है प्लेयर्स हैं। पहला IOFM खुद, और दूसरा है द इंटरनेशनल ऑर्गेनिक एक्रेडिटेशन सर्विस, और थर्ड है द IOFM एक्रेडिटेड एक सर्टिफिकेशन बॉडीज, जिसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनिक एक्रेडिटेशन सर्विस ये USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये IOFM के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और इनका काम होता है कि ये जो भी एक्रेडिटेशन के एप्लीकेशन हैं उसको एक्सेप्ट करना, रिव्यू करना और साइट इवेल्युएशन करना, और फिर IOFM के गाइडलाइंस से जो भी कॉम्प्लाइंसेज हैं वो एप्लीकेंट्स के लिए करना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो IOFM एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया में सर्टिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं उसके सर्टिफिकेशन उसको एक्रेडिटेशन से लेके हम जो है उस फाइनली
जो फार्मर के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वहां तक के जो प्रोसेस होते हैं उसको इस एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, द एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज हैव इंप्लीमेंटेड ए मल्टी लैटरल एग्रीमेंट अमॉन्ग देमसेल्फ। तो जो भी एक्रेडिटेड बॉडीज होंगी उनका आपस में ही मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है, और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होने से होता है कि अगर किसी एक एक्रेडिटेशन बॉडी ने अगर उसको सर्टिफाई कर दिया है तो फिर वो दूसरे जो एक्रेडिटेशन बॉडी है उनके द्वारा भी उसको मान्यता मिल जाती है एक्रेडिटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएलए स्ट्रीमलाइन सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस अमॉन्ग द सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड दस हेल्प द सपोर्ट एंड इंश्योर ऑर्डरली मार्केट ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड। तो अगर एक एग्रीडेटेड बॉडी के द्वारा अगर उसको मान लिया जाता है तो फिर वो सभी एग्रीडेटेड बॉडीज के द्वारा मान लिया जाता है कि ये ऑर्गेनिक फूड है, और फिर उसका जो है इजिली जो है एक्सपोर्ट एंड ट्रांजेक्शन जो है वो किया जा सकता है। एज एन इनिशिएटिव दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द एसीबीज द एमएलए आल्सो सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईओएफएम ऑर्गेनिक गारंटी सिस्टम। तो आईओएफएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर अपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में उसको एक्सपोर्ट कर सके, तो वो इस आईओएफएम एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया के द्वारा फुलफिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के कारण जो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट जो नॉर्म है वो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस नॉर्म्स। तो ये डिस्कस कल भी हुआ था कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप हुआ था 1962 में। ये ज्वाइंटली फॉर्म हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स हेल्थ एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड थ्रू हार्मोनाइजेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड ऑन वर्ल्ड वाइड बेसिस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंज्यूमर का हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना थ्रू जो भी फूड का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके कंज्यूमर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। तो ये कोडेक्स का जो भी नॉर्म्स था वो 1991 में फॉलो स्टार्ट हुआ था बिगिन और इवॉल्व। ये जो है ये भी इन्होंने भी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग लेवलिंग मार्केटिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए थे। द कोडेक्स कमीशन फर्स्ट अपॉइंटेड द प्लांट प्रोडक्शन नॉर्म्स इन 1991। तो प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं वो 1991 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, और एनिमल प्रोडक्शन नॉर्म्स जो है जुलाई 2001 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द कोडेक्स ये कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि इन्हांस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द होल सिस्टम। तो ऑर्गेनिक सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा जो है इन्हांस हो, इसके अलावा सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो, लॉन्ग टर्म सॉयल फर्टिलिटी मेंटेन हो, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट और एनिमल के उनका रिसाइकलिंग हो, जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन हो, प्रमोट द हेल्दी यूज ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर, हैंडल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विथ एम्फेसिस ऑन केयरफुल प्रोसेसिंग मेथड्स। तो जो भी प्रोसेसिंग मेथड्स हैं उसको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया गया था इसमें। बिकम एस्टेब्लिश्ड ऑन एनी एग्जिस्टिंग फार्म्स थ्रू ए पीरियड ऑफ कन्वर्सन। तो कन्वर्सन पीरियड के समय क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए इसके बारे में भी कोडेक्स ने डिटेल में इसमें डिफाइन किया है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन काउंसिल्स रेगुलेशन ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो यूरोपियन यूनियन से के अंदर में जो भी कंट्रीज हैं तो वो इस तरीके के सर्टिफिकेशन से जो उनका जो भी प्रोडक्ट इस लोगों के साथ जो कि यूरोपियन यूनियन का लोगो होगा उसके साथ होगा वही प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फूड के रूप में सेल किया जा सकेगा यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्रीज में। तो इसके लिए जो है कुछ रेगुलेशंस हैं। तो द यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स जिसको कि बोला जाता है यूरोपियन रेगुलेशन 2092/91। तो ये जो है 1993 में फर्स्ट टाइम फोर्स में आया था, और दूसरा रेगुलेशन जो है कि लाइव स्टॉक सेक्टर को मैनेज करने के लिए था तो वो था यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन 1804/99। तो ये दो रेगुलेशन है जिसके थ्रू जो है
यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं वो इन रेगुलेशंस के थ्रू अगर उसका फार्मिंग होता है तो फिर वहां पे वो सेल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज वहां पे वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का एनपीओपी गाइडलाइंस जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तो इंडिया का कोई भी जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, जापानीज ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं, तो जापान में 2002 में इसको डेवलप किया गया था, जापान एग्रीकल्चरल स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक, ये कुछ इस तरीके का, मतलब जो प्रोडक्ट और जो ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जैस ऑर्गेनिक मार्क जो कि दिख रहा है लोगो, इस तरीके का लोगो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर लगाया गया जिससे ये सर्टिफाई हो सके कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, और जापान में सेल होने के लिए एक्सपोर्ट जो भी प्रोडक्ट होगा उसको जापानीज स्टैंडर्ड के हिसाब से होना अनिवार्य है। यूनाइटेड स्टेट्स में सिमिलरली नॉर्म है, एनओपी नॉर्म, इसको इनेक्ट किया गया था अक्टूबर 2002 में, और ये एनओपी लोगो जो है होना अनिवार्य है। तो इसको यूएसए के मार्केट में अगर सेल होना है तो ये लोगो के साथ ही सेल होता है। अब कुछ कंपैरिजन है डिफरेंट कंट्रीज के नॉर्म्स में, उसको हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो उसमें हम लोग यही जानते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक पेस्टिसाइड या मिनरल फर्टिलाइजर, हमको इजिली सॉल्यूबल जो मिनरल फर्टिलाइजर है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, और कुछ इस तरीके का हमको प्रैक्टिस अडॉप्ट करना है कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी प्रमोट हो, हेल्दी फूड प्रोड्यूस हो, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो सके, और लोकली अडॉप्टेड मेथड्स जो हैं उसमें इस्तेमाल कर सके। सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। फॉर एनुअल क्रॉप जो है वाइड क्रॉप रोटेशन हैज टू बी यूज्ड, फॉर पेरिनियल क्रॉप वेयर एवर पॉसिबल लेग्यूम्स हैव टू बी प्लांटेड इन इंटर रो स्पेसेस। तो एनुअल क्रॉप के लिए तो हम बीच में एक क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन अगर पेरिनियल क्रॉप है तो कोशिश करनी चाहिए कि रो के बीच में एक कोई लेग्यूम क्रॉप हमको लेते रहना चाहिए जिससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। ऑर्गेनिक मैन्योरिंग शुड बी यूज फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब है कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन, जापानीज सिस्टम और यूएसए के सिस्टम में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर की बात अगर करें तो ऑर्गेनिक हस्बेंड्री में, ऑर्गेनिक हस्बेंड्री मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा निकलता है फार्म से, तो उसको हम कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो यूरोपियन यूनियन और जापानीज में इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यूएसए के नॉर्म के अनुसार इसको कंपोस्ट करके ही हम यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट के फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सटेंसिव कन्वेंशनल हस्बेंड्री, तो जो भी कन्वेंशनल हमारा हस्बेंड्री है मतलब किसी भी तरीके का अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको हमको यूरोपियन यूनियन और जापानी सिस्टम के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, बट एनओपी गाइडलाइंस के हिसाब से उसको कंपोस्ट के रूप में उसको हमको यूज करना अनिवार्य है, और फैक्ट्री से कोई भी बाय प्रोडक्ट हो उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाइट्रोजनस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। रॉक फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सिंगल ट्रेस एलिमेंट फर्टिलाइजर, इन सब का भी इस्तेमाल जो है हम नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मस्ट नॉट एक्सीड क्रॉप रिक्वायरमेंट। लाइम जो है हम अप्लाई करेंगे, जितना जरूरत होगा उतना ही अप्लाई करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए सिंथेटिक हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब बैन है, यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। पेस्ट, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा डिफरेंट मेथड्स हैं, जो हमारा ट्रैप्स है उसको इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, नेचुरल इमेज का यूज करेंगे। आफ्टर हैविंग टेकिंग दीज मेजर्स ओनली दोज नेचुरल और मिनरल सब्सटेंसेस हैव बीन यूज्ड व्हिच मेंशन इन यूरोपियन रेगुलेशन और एनओपी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी मेंशन है बस उसी का इस्तेमाल हम करेंगे, मोस्टली जो भी इसमें नहीं है उसको इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सीड एंड सीडलिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक सीड एंड सीडलिंग मस्ट बी यूज्ड। फॉर द यूज ऑफ कन्वेंशनल सीड और कन्वेंशनल सीडलिंग्स द फार्मर मस्ट प्रूव दैट ऑर्गेनिक सीड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव वेराइटी आर नॉट अवेलेबल। तो जब नहीं अवेलेबल हो
ऑर्गेनिक सीड, तभी हम कन्वेंशनल सीड को यूज करेंगे और उस पे भी हम किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट किए बगैर ही हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सीडलिंग फ्रॉम एनुअल क्रॉप मे नॉट बी परचेज फ्रॉम कन्वेंशनल नर्सरी। तो अगर एनुअल क्रॉप का अगर हमको सीडलिंग लेना है तो उसको कन्वेंशनल नर्सरी से हमें नहीं लेना चाहिए। सीड्स फ्रॉम केमिकल ड्रेसिंग मे नॉट बी यूज। किसी भी तरीके का टॉप ड्रेसिंग हम नर्सरी में या फिर हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सन पीरियड। तो कन्वर्सन पीरियड में हर कंट्रीज में अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जिसमें हमारे इंडिया में है कि एनुअल क्रॉप के लिए 2 साल का हमारा है कि 2 साल अगर हम करते हैं एनुअल क्रॉप तो उसके बाद हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्म के रूप में डेवलप हो जाता है, और अगर पेरिनियल क्रॉप है तो 3 ईयर्स के बाद होता है। तो सिमिलरली यूरोपियन यूनियन और जापानीज सिस्टम में भी यही है कि एनुअल क्रॉप के लिए 2 साल और पेरिनियल क्रॉप के लिए 3 साल, लेकिन यूएसए के एनओपी गाइडलाइन के हिसाब से ये आपको 3 साल होना चाहिए। 3 साल के बाद ही आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सन पीरियड वेन, तो यूरोपियन यूनियन और जापानीज सिस्टम में है कि जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है तब से वो टाइम पीरियड शुरू होता है, लेकिन यूएसए गाइडलाइन के हिसाब से है कि ये फार्मर जब से ऑर्गेनिक मैनेजमेंट करता है, जब से डिसाइड करता है उसी समय से वो माना जाता है। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन है यहाँ। एक्सटर्नल कंट्रोल ड्यूरिंग कन्वर्सन, तो कोई भी कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड, जो भी एक्सटर्नल कंट्रोल है वो यूरोपियन यूनियन और जापानी सिस्टम में रिक्वायर्ड है, लेकिन फार्मर को जो है यूएसए के सिस्टम में उसको जो है रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड। और एक्सेप्शंस हैं कि इन केस ऑफ सफिशियंट प्रूफ और नॉन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन बी रिड्यूस। तो मतलब अगर ऐसा प्रूफ मिलता है कि पीछे के बीते सालों में फार्मर ने कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया है तो इसको थोड़ा सा एग्जेम्प्ट किया जाता है, बट वेरी रेयरली इस तरीके का रिलैक्सेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अब क्रॉस कंटामिनेशन के लिए बात अगर करें तो एनओपी और जापानी सिस्टम में क्रॉस कंटामिनेशन जो है बफर जोन के थ्रू जो है उसको रोकने के लिए स्टेब्लिश मेथड है। उसके बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे किसी भी सिस्टम में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना है और उसके लिए हमको जो है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए जिससे कि एक क्रॉप डाइवर्सिटी हो। और इसके रिकॉर्ड कीपिंग की बात अगर होती है तो फिर रिकॉर्ड कीपिंग में सभी सिस्टम में प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। नॉलेज, जो भी फार्मर का जो भी नॉलेज है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूटिलाइज प्रॉपरली किया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग का ही एक एडवांस्ड फॉर्म में हम लोग फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में। तो यहाँ पे फार्मर का जो भी नॉलेज है उसी का इस्तेमाल किया जाता है एक प्रॉपर वे में। अब कुछ प्राइवेट सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में अभी करेंटली रनिंग है, तो जिसमें बायोसुसी है, ये स्विट्जरलैंड में एक्टिव है। फेयर ट्रेड लेवलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड वाइड ये सर्टिफिकेशन करती है। इसके अलावा कार्ब एंड डेवियो, ये स्वीडन एंड नॉर्वे में जो है एक्वा कल्चर प्रोडक्ट का जो है स्टैंडर्ड प्रिपेयर इसने किया है। इसके बाद नेचरलैंड एक प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है जो कि ऑर्गेनिक श्रिम्प प्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड गाइडलाइन जो है ये दिया है। और डेमीटर इंटरनेशनल, ये जर्मनी का एक कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो कि रुडोल्फ स्टीनर के द्वारा दिया गया था तो उसमें सर्टिफिकेशन का काम इसने शुरू किया था। तो ये भी प्राइवेट, ये भी कंपनी जो है आज भी सर्टिफिकेशन के फील्ड में एक्टिव है। अब सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो उसमें 3 मेन रिक्वायरमेंट है। द मेथड्स एंड मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन मस्ट मीट ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड, तो जो भी स्टैंडर्ड है उसको मीट करना चाहिए। देयर मस्ट बी क्लियर एंड ऑन गोइंग डॉक्यूमेंटेशन, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है उसको समय समय पे करते रहना चाहिए।
देयर मस्ट बी पेपर ट्रेल ट्रेसिंग ऑन प्रोडक्ट बैक टू इट्स प्रोडक्शन साइट। तो मतलब अगर फार्मर ने किसी भी तरीके का प्रोडक्ट को अपने फील्ड में अगर अप्लाई किया है तो उसको पेपर पे भी ट्रेस किया जा सके, इस तरीके का पेपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अदरवाइज फिर सर्टिफिकेशन एजेंसी को अगर ट्रेस करना पड़े तो फिर वहां पे डिफिकल्टी होगी और वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में डिले होगा। अब ये कुछ अपेंडिक्स हैं, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि कौन सी चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो FIM को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ड्राइड फार्म यार्ड मेन्यूर है, पोल्ट्री मेन्यूर है, ये हमारे अपने फार्म का होगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन सभी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि नीम प्रोडक्ट हैं, तो नीम प्रोडक्ट तो है ही, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट हैं जैसे क्वेसिया प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट आता है, ऑनियन गार्लिक से एक्सट्रैक्ट आता है, रैपसीड से आता है, तो कुछ इस तरीके के जो भी हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स और एक्सिसाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्लांट प्रोडक्ट्स, इन सभी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से